हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, आज मैं अर्थ साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। अर्थ साइन की लव लाइफ में क्या होगा इस मंथ, ठीक है? तो दिसंबर 2020 अर्थ साइन के लिए मैं लव रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है? तो जो जिन जिनों का भी अर्थ साइन है तो वो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, ठीक है? और अगर आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ, तो आप तब भी ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं, आप क्रॉस वॉच कर सकते हैं। अगर आपको जानना है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, डेफिनेटली आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, लेकिन जनरल है रीडिंग, और हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो मत देखिए, करे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? और टाइमलेस है, दिसंबर में आप कभी भी देखिए, आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी, ठीक है? चलिए, अब बिना देर करे स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं अर्थ साइन की लव लाइफ में क्या होगा इस मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, किंग ऑफ वैंड्स। तो कोई आपको इस मंथ सोशल मीडिया पर स्टॉक कर सकता है, ठीक है? आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा कोई ना कोई, ठीक है? और हो सकता है कि इस मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आ जाए आपको। वी हैव टू किंग्स, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेम जेंडर सेक्स हैं, ठीक है? नाइन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। या हो सकता है कि आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहां पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है? और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो ये साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, इन्हीं में से। वाटर साइन या नहीं है, ठीक है? जेमिनाई स्ट्रांग है यहाँ पर, जेमिनाई। तो गाइस, बॉटम द डेक से तो मेरे यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप, हो सकता है कि जो भी आपके सोलमेट हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर वही आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर डेफिनेटली ये जो पार्टनर है, और आप के लिए भी है ये रीडिंग, आपको उस टाइम बैलेंस में आने की जरूरत है, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में करने की जरूरत है। हो सकता है 69 नंबर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर 69 नंबर देख रहे हैं तो आपको बैलेंस में रहने की जरूरत है, ठीक है? पॉजिटिव रहना है, बैलेंस में रहने की कोशिश करनी है, ठीक है? और जो भी है, देखिए, ये जो पार्टनर है जिसके भी साथ आप डील कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ईगो भी है इस पार्टनर के अंदर, और ये भी हो सकता है कि जिसके लिए आप पूछ रहे हैं, इसका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्सी है ये पर्सन। और अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक वगैरह किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन तो फील करते हैं, काफी स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं। देखिए, यहां से एंड का कार्ड ये आया था, और बॉटम द डेक से कार्ड आया है द लवर्स। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप बहुत सारे लोग, और यहां पर मैं देख रही हूं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो यही कनेक्शन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके बिना काफी अकेले हैं ये पार्टनर, काफी उदास फील कर रहे हैं, ठीक है? एक फेलियर जैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है काफी अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर की ग्रोथ नहीं हो रही है। और डेफिनेटली ये पार्टनर अपने अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लेकर आएंगे, और जो भी चैलेंजेस हैं उससे लड़ने की कोशिश करेंगे विद द सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो आपकी लव लाइफ में मैं यहां पर काफी इंप्रूवमेंट देख रही हूं आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है? हो सकता है कि आपको मैसेज आ जाए इस पार्टनर की तरफ से, ठीक है? मैसेज के चांसेस हैं यहां पर। चलिए और कार्ड निकालते हैं, क्या आता है आपके लिए। उप्स, क्या हो रहा है गाइस ये आज। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पार्टनर ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ, सोलर प्लेक्सस चाक्रा डेफिनेटली अपने चाक्रास पे वर्क कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ इस पार्टनर में काफी चेंज आएगा इस मंथ, हार्ट एक एंड लॉस डेफिनेटली, काफी इनको दर्द मिल रहा है आपके बिना, काफी लॉस फील कर रहे हैं ये पार्टनर, इसलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मूविंग ऑन डेफिनेटली, डार्क से लाइट में आएंगे ये पार्टनर, मूव ऑन करेंगे और आपके पास ही आते हुए देख रही हूँ मैं। चैलेंजेस से लड़ने के लिए अब रेडी हो जाएंगे ये पार्टनर। ओके, इंट्यूशन का कार्ड आया हमारे पास, तो ये पार्टनर अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। इनका दिल, इनका मन इन्हें क्या कह रहा है उसी को सुनने की कोशिश करेंगे। सफरिंग इन साइलेंस, डेफिनेटली सफर तो कर रहे हैं ये पार्टनर, और इसी टाइम ये अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। इमोशनल लॉस एंड द यूनिवर्स, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो यूनिवर्स क्यों नहीं होंगे आपके साथ, डेफिनेटली यूनिवर्स हैं आपके साथ, ठीक है। यूनिवर्स ही आपके लिए रास्ता बना रहे हैं इस पार्टनर के लिए, आपके लिए, कि यस आपको एक होना है, ठीक है। क्योंकि आपके बिना काफ़ी इमोशनल फील हो रहा है इनको, काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, हार्ट एक एंड लॉस फील कर रहे हैं, तो फाइनली इन्होंने अपने इंट्यूशंस को सुनना स्टार्ट कर दिया है और हीलिंग भी अपनी स्टार्ट कर दी है इस पार्टनर ने, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्स आप दोनों के साथ हैं, ठीक है। तो यस डेफिनेटली इस मंथ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके पार्टनर में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। चलिए आप दोनों का कनेक्शन कैसा है ये पता करते हैं। आप चलिए गाइस यहां से निकालते हैं आप दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा है और कैसा रहेगा, ठीक है। लाइफ पर्पस देखिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डेफिनेटली लाइफ पर्पस ही फाइंड करना होता है, क्योंकि डिवाइन हमें जब अर्थ पर भेजते हैं, हम जब जन्म लेकर आते हैं, तो हम सब कुछ भूल कर आते हैं, हमें इवन हमें क्या लाइफ पर्पस मिला है ये भी याद नहीं होता। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पेन मिलता है, ट्विन जो हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो हमें पेन देते हैं, और पेन के साथ ही हम अपना लाइफ पर्पस, क्योंकि पेन के साथ ही चेंज आता है और तभी हम अपना लाइफ पर्पस फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो मे बी आपने अपना लाइफ पर्पस फाइंड कर लिया है और बिल्कुल यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस पता लग गया। अब इस पार्टनर की बारी है, ये पार्टनर इस टाइम में, इस पार्टनर की पोजीशन देख रही हूँ, काफी हर्ट है, काफी लॉस फील कर रहे हैं, काफी रिग्रेट है, और अब इनको पता चल पा रहा है कि आपके साथ कनेक्शन क्या है। तो गाइस डेफिनेटली अब इस पार्टनर को भी इनका लाइफ पर्पस पता चलेगा। चलिए और कार्ड निकालते हैं। द सिल्वर वाटरफॉल, ओके। तो गाइज आपके कनेक्शन में काफी इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे इस मंथ में। मैनिफेस्टेशन, तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन करते रहो, इस पार्टनर में काफी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, इनको इनका लाइफ पर्पस मिलने वाला है, आपको मिल गया है डेफिनेटली, अब आपके पार्टनर को भी मिल जाएगा। और ऑप्टिमिस्टिक रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफी पॉजिटिव चेंजेस आपके कनेक्शन में आने वाले हैं, इस पार्टनर में चेंज आने वाला है, और ये पार्टनर अब एक अलग ही तरीके से इस कनेक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए, क्या आएगी आपके लिए गाइडेंस। वी हैव अटैचमेंट, डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट है। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली आपको हीलिंग की जरूरत है, इस पार्टनर को भी अभी हीलिंग की जरूरत है, और बिल्कुल आपको देखो धीरे धीरे ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यस मिलेगा, क्योंकि अवेकनिंग एकदम से नहीं हो जाती, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यस अटैचमेंट है आप दोनों को एक दूसरे से, भूलोगे नहीं एक दूसरे को। एंजल ऑफ बैलेंस है आपके साथ, और डेफिनेटली आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस में आने की जरूरत है। मैंने कहा ना, अगर आप 60 नंबर देख रहे हैं तो आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में करना होगा, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ठीक है, एकदम से सैड नहीं होना, पावर में रहना, अपने बैलेंस में रहो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, द वर्ल्ड, एक दूसरे की दुनिया हो आप दोनों, और द वर्ल्ड का मतलब ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, द थिंकिंग मैन। तो ये फाइनली ये मैन बहुत सोच रहे हैं, एंड गॉडेस ऑफ द मून भी आपके साथ, और विक्ट्री देखिए, सन, वाओ गाइस वाओ। ब्रोकन हार्ट अभी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं, विक्ट्री आपको मिलेगी, सन आपकी लाइफ में आएगा, खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है गाइज।
तो बहुत ही पॉजिटिव आपकी रीडिंग है। आपके देखिए मैंने कहा था ना कि दिसंबर में आपके कनेक्शन में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, फाइनली सन कार्ड हमारे पास आ गया, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइम बैलेंस में रहने की जरूरत है, इतना ही कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्टक मत होइए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए अपने प्यार के लिए, ठीक है गाइज। तो यह है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।